पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आज पारिवारिक संस्कार संगठन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें अध्यक्षता अंजू त्रिपाठी के द्वारा और अन्य सदस्यों ने की। अंजू त्रिपाठी ने बताया कि पारिवारिक संस्कार और संगठन में हम समाज में बढ़ती हुई समस्या डिवोर्स और डोमेस्टिक वायलेंस और संस्कारों की आ रही है, उस पर हमारा ये संगठन काम करेगा। आज जब भी किसी बच्चे की शादी होती है तो कई हद तक माँ बाप उसे सिर्फ अपने पति के साथ एडजस्टमेंट करने को कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बेटी की शादी सिर्फ लड़के से नहीं, पूरे परिवार से एडजस्टमेंट करना होता है। हमारा संगठन जितनी न्यूली मैरिड कपल्स हैं उन लोगों के घरों में हम लोग जरूर जाएंगे, चाहे वो मतलब हम चाहते हैं कि उन लोगों का बहुत अच्छी तरीके से चले जो एक बार, लेकिन उन लोगों के साथ में बैठकर बातचीत करेंगे। क्योंकि ये नहीं है कि जब चीजें मतलब उस तादार पर आ जाएं तभी हम लोग उस पर बात करें, बेहतर है कि उससे पहले ही क्यों ना बच्चों के साथ में काउंसलिंग करें, उनके साथ में बैठकर थोड़ा सा विचार विमर्श करें कि आपको किस तरीके से कैसे आप आगे लाइफ लेकर चलोगे, ये भी साथ में यहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे। सेकेंडली हम लोग स्कूल्स में जाकर जो से कॉलेज में जाकर बेटियाँ जो बी ए एम ए कर रही हैं और आगे वो भी अपनी शादी वगैरह के बारे में आगे सोचेंगी तो उन लोगों की भी काउंसलिंग करेंगे। थर्डली जो डिवोर्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी लग रहा है हम लोगों को, मनमुटाव किसी भी परिवार में आ रहा है तो वहां पर तो हम लोगों को खास करके जाना ही है। उन लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों को टूटने नहीं देना है, हम लोगों को एकत्र करके रखना है समाज को, क्योंकि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि हर जगह पर कोई ना कोई मतलब अलग तरीके से काम कर रहा है, पर जो ये आज हाइक पर जो प्रॉब्लम चल रही है सबसे ज्यादा मेन मुद्दे मतलब इस पर कोई आज तक अभी तक संगठन नहीं बना था, तो ये संगठन हमने बनाया जिसमें बेटा और बेटी दोनों की ही आवाज को हम लोग सुनेंगे और दोनों के लिए ही हम काम करेंगे। पारिवारिक संगठन एवं संस्कार, इसमें हम लोगों की प्लानिंग ये है कि जो आजकल न्यूली मैरिड कपल्स में मेनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, आप सभी परिचित भी होंगे इसमें, तो उस जो प्रॉब्लम्स का समस्याओं का समाधान कई बार नहीं हो पाता और ख़ासतौर से पेरेंट्स से नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों को ये लगता है पेरेंट्स शायद हम लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या गलत सजेशन दे रहे हैं, पेरेंट्स को कम फॉलो करते हैं आप लोग, आई थिंक जहाँ तक आइडिया होगा ऐसा। तो हम लोग की प्लानिंग ये है कि हम लोग उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और पेरेंट्स भी जब उनको वही बात बताएंगे प्लस हम लोग भी उसी चीज़ को समझाएंगे तो आई थिंक उन पर ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इस वजह से हमने इस संगठन की स्थापना की है और इसी सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आयोजित की गई है। और इसमें एक काम और भी हम लोग करेंगे, संस्कार जो आजकल युवा पीढ़ी में उनका हम बहुत कमी देखते हैं, संस्कारों की बहुत कमी देखते हैं, चाहे वो पारिवारिक रिश्तों को लेकर हो, वहाँ पर संस्कारविहीनता देखने को मिलती है, या किसी भी क्षेत्र में देखें उनके खान पान को भी देखें, उनके पहनने ओढ़ने के सलीके को भी देखें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस तरह की भी आ रही हैं बच्चों में। उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कलेक्ट किया है और सोचा है इस पर काम करेंगे। ज़्यादातर मैं कहूँगा 80% फैमिली आज के टाइम में टूट जाती हैं, उसके पीछे एक ही कारण है, या तो फैमिली बहुत अच्छी शिक्षा नहीं दे पाती, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उनको समाज में जैसे रहना है उसके प्रति वो जागरूक नहीं है, तो इसके चलते छोटी छोटी बातों को लेकर के कलेश होते हैं। कहीं ना कहीं लड़की उन चीज़ों को नहीं समझ पा रही है, या अपने घर से वो दूसरी फैमिली में जा रही है तो वहाँ कॉपरेट एकदम नहीं हो पा रहा, तो उस चीज़ को काउंसलिंग के थ्रू हम समझा पाएँ। जैसे नई शादी हो रही है जैसे कि बताया अभी, तो हम उनके घर पर एक बार जाएंगे, उनको समझाएंगे कि छोटी छोटी जो कमियाँ हैं उनको आप नज़रअंदाज करें और अपनी फैमिली को बेहतर तरीके से चलाएँ। आपने देखा होगा कि मोस्टली हर जगह आज के टाइम में दहेज प्रथा का रीत चल चुकी है, तो जरूरी नहीं है कि हर संगठन जहाँ भी ये इस तरीके की कंडीशन आ रही है कि वहाँ दहेज मांगा गया हो या फिर लड़की पर अत्याचार किया गया हो, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं झूठे होते हैं, उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी फंसाया जाता है, तो उन सब चीज़ों को समझाने का हम प्रयास करेंगे और रिश्ते ना टूटें, तलाक ना हो, डिवोर्स ना हो, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे और ये हमारी पहल है। हम लोग कोशिश करते रहेंगे क्योंकि लड़कियों की जो कमी है उनको भी समझाने का हम प्रयास करेंगे। और लेकिन आज की तारीख में समाज हमारा दूषित होता चला जा रहा है ऐसा हम देखते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर्स में देखते हैं बहुत सारे पारिवारिक कलह कलेश होते हैं, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको काउंसलिंग के माध्यम से समझाने के लिए, क्योंकि कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं जहाँ भी परिवार टूटता है, और जो शादी होती है दो लोगों की तो वो केवल दो एक पति पत्नी की शादी नहीं होती है, दो परिवारों की, दो खानदानों का रिश्ता एक आपस में बनता है,
और कोई बहुत बड़े इश्यूज नहीं होते हैं, केवल ईगोज होती है या छोटी सी एक एग्जांपल की कुछ कल्चर और था इस फैमिली का, इस फैमिली में आके कुछ कल्चर और हो गया तो वो चीज़ जो है उसको फ्लो में लेकर के नहीं चल पाते हैं। ऐसे छोटे छोटे इश्यूज़ की वजह से बातें बढ़ती चली जाती हैं, ईगो बढ़ती चली जाती है। पहले संगठित परिवार हुआ करते थे, इंटीग्रेटेड परिवार हुआ करते थे, बड़े बड़े घर होते थे उसमें कई 10-20 फैमिली, चाचा ताऊ वगैरह सब लोग एक साथ रहते थे, बहुत सारी दौरानी जेठानियाँ सब आपस में एक साथ मिलकर काम कर लेते थे। अगर कोई बाहर है या कोई मदर अगर बीमार है तो ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे को केयर नहीं कर सकता था, उसकी दादी चाची कोई भी है, बुआ है, वो अच्छे से केयर कर लेते थे। अब ये डिफ्रेंशिएशन होने की वजह से ये समाज टूटता चला जा रहा है, बच्चों पर केयर कम हो पा रही है। फॉर एग्जांपल परिवार में अगर बहुत बूढ़ा बुजुर्ग हमारे दादाजी हैं ताऊ जी हैं, वो परिवार के लिए कोई आर्थिक सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर वो बीच आंगन में या दरवाजे पर एक चारपाई डाल करके भी बैठे हुए हैं और वो बहुत सारी चीज़ें मॉनिटर कर रहे हैं। जैसे अंजू जी ने ये पारिवारिक संगठन एवं संस्कार संगठन स्थापित किया है, इसमें आपने देखा परिवार संगठन, जहाँ संगठन है वहाँ ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं, जहाँ संस्कार है वहाँ देखने को कम मिलती हैं। लेकिन आज के समाज में ना ही संगठन है और ना ही संस्कार मिल रहा है। हमारे बच्चे मोबाइल एजुकेशन सब तरफ भाग रहे हैं लेकिन संस्कारों से पीछे हो रहे हैं। यही कारण है कि शादियाँ होती हैं, ज़रा ज़रा बातें हुई और बस मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते। परिवार के लोगों पर भी इस बात का ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो भी अपनी बेटियों का साइड लेते हैं। यही कारण है जिससे आने वाली जनरेशन पीढ़ी पर ये गलत असर पड़ रहा है। वो जुड़ना नहीं चाहते, वो रहना ही नहीं चाहते। ये सारा का सारा माहौल देख रहे हैं आप, करप्शन, ये सब चीज़ें इसी का ही एक रिजल्ट है। तो हम यही चाहेंगे संगठन द्वारा कि जो परिवार टूट रहे हैं टूटे नहीं, जहाँ ऐसा कुछ होता है हम लोग जाएँ, दोनों लोगों को समझाएँ और कहीं ना कहीं कोई रास्ता ऐसा निकले जिससे हमारे ये संगठित परिवार बना रहे। और संस्कार एक परिवार से ही निकलते हैं और परिवार के ही लोग देते हैं, जो कि अब देना नहीं चाह रहे हैं। सब लगे हुए हैं अपने अपने मोबाइलों में इन सब चीज़ों में। तो हम यही चाहेंगे ज़्यादातर संस्कारों पे हम जोर दें। देखिए हमारा जो प्रयास रहेगा वो इस संगठन को बनाने का, हमारा यही मोटिव है कि आज बहुत सारे छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े परिवारों में हो जाते हैं वो झगड़े ना हों, कहीं ना कहीं लड़की और लड़का दोनों ही पक्षों को हम लोग समझाएँ, उनकी बात सुने और उन चीज़ों को, जो भी छोटी मोटी चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं वो आगे ना हो, यही प्रयास करेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।